चूंकि अल्लाह पाक ने महबूब बनाया तो उसकी हर अदा को सलामत कर दिया, उसकी हर अदा को क़यामत तक के लिए उस पर हिफाजत का पहरा लगा दिया, कोई दुनिया की ताकत उसे मिटा नहीं सकती। आपकी अदाएं तो अदाएं हैं, मेरे नबी की तो बकरियों ऊंट घोड़ों के नाम भी लिखे पड़े। आपने दो खच्चरों पे सवारी की, तारीख ने हमें नाम दे दिए, एक का नाम दुलदुल, एक का नाम फिज्जा। दो गधों पे सवारी की, जी दो गधे पे सवारी की बात खत्म हो गई, नहीं नहीं मेरे हबीब ने की है, इनके नाम भी लिखवाए जाएं। एक का नाम था उफैर, एक का नाम था याफूर। और याफूर की अजब कहानी आपको सुनाता हूं। जब खैबर की जंग हुई और माले गनीमत आया तो जानवर भी आया, तो उसमें यह गधा भी था, तो ये आगे बढ़ गया था या रसूल अल्लाह, और माल आप तकसीम कर रहे थे, घोड़े ऊंट तकसीम हो रहे थे, गधे खच्चर, तो ये आगे बढ़ गया था या रसूल अल्लाह, मैं अपनी नस्ल में आखिरी हूं, आप नबियों में आखिरी, मेरे नस्ल पर नबियों ने सवारी की, उनमें मैं आखिरी हूं, आप नबियों में आखिरी हैं, आप मुझे अपनी सवारी के लिए कबूल फरमा लें। तो आपने याफूर को अपने हिस्से में ले लिया। बारहा ऐसा हुआ, सीरत की किताबों में है कि आपको जरूरत पड़ी किसी को बुलाने की और मौके पे कोई खादिम मौजूद नहीं है, तो आप याफूर से कहते, याफूर अबू बकर को बुला के लाओ, उमर को बुला के लाओ, मिसाल दे रहा हूं। तो याफूर दौड़ लगाते और जाकर अबू बकर के दरवाजे पर टक्कर मारता, ठौ। जब वो सहाबी बाहर निकलते तो देखते आगे याफूर खड़ा, अच्छा अल्लाह के नबी ने बुलाया है, मेरे कुर्बान जाऊं।